नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं आरसी एजुकेशन ऑफ बानसूर। जैसा कि आप सभी को पता है, समय समय पर प्रतिभाओं को तराशने के लिए आरसी एजुकेशन ऑफ बानसूर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाती रही है और इस बार 1 अक्टूबर 2023 को इंस्पायर अवार्ड एग्जाम करवा रही है। मेरे साथ संस्था के निदेशक डॉक्टर विजय कुमार जी हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत सारे सवालों का जवाब लेने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मेरा पहला सवाल, क्योंकि बहुत बार जब सोचते हैं विद्यार्थी के एग्जाम करवा रहे हैं, तो इस एग्जाम के पीछे का आपका क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है? आरसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर के डीजी हमेशा से ही विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करती रही है और हम हमेशा, हमारी पूरी टीम ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से इस प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन हम करवाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है ग्रामीण परिवेश के जो विद्यार्थी हैं उनको बड़े कोई कंपटीशन जो एग्ज़ाम होता है उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसा एक प्लेटफॉर्म जिसमें शहरी क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश और सभी प्रकार के विद्यार्थी जो उसमें भाग ले सकें, इसके लिए आरसी एजुकेशन ग्रुप इस प्रकार के एग्जाम जो है करवाता रहता है। मैं आपके आज ये जो वीडियो आप लोग हमारे यहाँ करने आए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा, साथ ही अभिभावकों से और विद्यार्थियों से भी कहना चाहूँगा कि राजस्थान टैलेंट हंट एग्जाम जी, अर्थात इंस्पायर अवार्ड परीक्षा जो है, इसके संबंध में इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी उनको देंगे। तो इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक अवश्य जुड़े रहें। इसका मुख्य जो मोटो है, ग्रामीण प्रतिभाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए इसका हम आयोजन करवाते रहते हैं। जैसा आपने बताया कि इसका जो आपका उद्देश्य है वो विद्यार्थी जो ग्रामीण परिवेश की जो प्रतिभाएं होती हैं उनको आगे लेके जाना, इसमें कौन कौन सी जगह के विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में भाग ले सकते हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, राजस्थान टैलेंट हंट एग्जाम जी, अर्थात राजस्थान जो है स्टेट के सभी विद्यार्थी जी, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों, प्राइवेट स्कूल के हों, गवर्नमेंट स्कूल के हों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं, पूरे राजस्थान के सभी विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इस प्रकार से कक्षा पाँचवीं से लेकर के कक्षा बारहवीं तक के सभी विद्यार्थी इस टैलेंट हंट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि इसमें कहीं का भी जो विद्यार्थी वो भाग ले सकता है, तो सर इससे आगे की जो प्रोसेस होती है, फॉर्म भरना या फिर उसके आगे की जो नेक्स्ट प्रक्रिया होती है, उसके लिए आपने क्या क्या ऑप्शन रखे हैं और कितने प्रकार से आपके यहाँ फॉर्म भर सकते हैं? फॉर्म के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हमने मोड रखे हैं। ऑनलाइन मोड इसलिए रखा है कि राजस्थान में चूंकि बानसूर जो है ये चारों तरफ से अगर बच्चा आएगा तो दूरी खूब अधिक है, बच्चे को परेशानी नहीं आए, पेरेंट्स को भी परेशानी नहीं आए, इसलिए हमने इसको ऑनलाइन मोड जो है उसके ऊपर भी इसको फॉर्म भरवाने का काम करवाया। ऑनलाइन मोड के लिए आरसी एजुकेशन अब बानसूर के फेसबुक पेज जी, वहाँ इसके बार कोड भी हैं, इससे संबंधित विस्तृत जानकारियाँ जो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं वो वहाँ डली हुई है, इसका लिंक भी वहाँ पर है। इसके अलावा एक नंबर हमने उपलब्ध करवा रखा है 7733855881, इस नंबर पर RSTH जो है एग्जाम का लिख करके और जैसे व्हाट्सअप करेंगे उनके पास इससे रिलेटेड लिंक पहुँचेगा। लिंक के साथ साथ एग्जाम से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी विद्यार्थियों को इससे रिलेटेड मिलेंगी। बिल्कुल, इसके अलावा दूसरा जो मोड है वो है ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आरसी एजुकेशन हब बानसूर के सिटी ऑफिस जो हरसोरा चौराहे पर है, या फिर आरसी एजुकेशन ग्रुप बानसूर जहाँ हमारा फाउंडेशन जो ब्लॉक जो लास्ट में है, उस फाउंडेशन ब्लॉक में स्टूडेंट्स पहुँच सकते हैं, पेरेंट्स पहुँच सकते हैं, वहाँ से ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल, अब बात हुई फॉर्म भरने की प्रक्रिया की, उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रक्रिया आती है वो होता है सिलेबस के प्रश्न कहाँ से आएंगे एग्जाम में, क्या पैटर्न रहेगा, कहाँ से प्रश्न आएंगे, सिलेबस क्या रहेगा, इसकी भी थोड़ी जानकारी आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सर, इसमें क्लास 6 से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, कक्षा के स्टैंडर्ड के अनुसार ही विद्यार्थियों के इसमें सिलेबस आएगा। वो सिलेबस 6th 7th, हमने तीन ग्रुप बनाए हैं इसके, कक्षा 6th 7th 8th जो है उसका फर्स्ट ग्रुप बोला गया है, 9th और 10th जो उसको सेकंड ग्रुप, और 11th और 12th जो उसमें एग्रीकल्चर साइंस के स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे। इन तीन ग्रुप इसमें बनाए गए, तीनों ही ग्रुप में उनके कक्षा के स्तर के अनुसार और जर्नल जो नॉलेज होता है उसके क्वेश्चन से इसमें आएंगे, ताकि बच्चा आगे जब कंपटीशन दे तो उसको किसी प्रकार की कोई परेशानियां बिल्कुल नहीं आए। इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो प्रश्न होंगे वो 50% होंगे, चाहे ग्रुप कोई सा भी हो, 1 घंटे का समय मिलेगा, 50% होंगे। ये जो 50% होंगे ये गणित
और साइंस यानी मैथ से और साइंस से जो क्वेश्चन आएंगे इसमें 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 25 क्वेश्चन जो है साइंस के होंगे। ये कक्षा 6 से लेके कक्षा 10th तक के लिए होगा। इसके अलावा 11th और 12th है उसमें 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 15 क्वेश्चन बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी, और मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स, और 20 क्वेश्चन जर्नल साइंस के आएंगे। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन जो है वो 50 क्वेश्चन होंगे। और ये पूरा जो प्रोसेस है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और ओमआर शीट के अकॉर्डिंग होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। सर मेरा जो अगला सवाल है, बहुत सारे पेरेंट्स की क्वायरी भी आती रहती है अपने फेसबुक पेज के ऊपर, उसमें रहते हैं कि विद्यार्थियों का जो सम्मान है उसकी क्या व्यवस्था रहेगी, और पहला इसी में मेरा एक और सवाल है कि ये एग्जाम आपका कितने तारीख को आयोजित होगा और इसके लिए क्या आपने कोई वाहन सुविधा भी रखी है, या और इसका जो सम्मान की व्यवस्था है वो कितने तारीख को रहेगी और क्या रहेगी? यह परीक्षा जो है 1 अक्टूबर 2023 रविवार को सुबह 10 बजे आयोजित होगी। उस दिन विद्यार्थियों को सुबह 8:30 बजे रिपोर्टिंग करनी है। एडमिट कार्ड जो है जो ऑनलाइन जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनका ऑनलाइन ही जिस व्हाट्सएप नंबर से फॉर्म भरेंगे उसी पर उनका एडमिट कार्ड पहुंच जाएगा। वो एडमिट कार्ड उनको साथ में लेकर के आना है। जो विद्यार्थी इस फॉर्म को भरेंगे उन सब विद्यार्थियों को एग्जाम की जो व्यवस्था होगी आरसीआई एजुकेशन ऑफ बानसूर के कैंपस में उनको पहुँचना है। गाड़ियों के लिए मार्केट जो है उससे और कोटपुतली रोड पर ये हमारा जो एजुकेशन हब है जो आप लोगों को दिख रहा है ये यहाँ उनको गाड़ियाँ जो है उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो एग्जाम होगा इसके जस्ट बाद में पेपर जो है स्टूडेंट्स लेकर के जाएगा, ओमआर शीट हमारे पास में रहेगी, उस चेक होकर के रिजल्ट तैयार हो जाएगा। 31 दिसंबर को प्रातः 10 बजे सम्मान समारोह आयोजित होगा। उस सम्मान समारोह में फर्स्ट से लेकर के 10 जो पोजीशन होगी यानी टॉप 10 जो स्टूडेंट्स होंगे उसमें चाहे बच्चे कितने ही आए रैंक के अकॉर्डिंग सब विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। ये जो सम्मान होगा ये ग्रुप के अनुसार अलग अलग होगा। फर्स्ट ग्रुप में भी टॉप 10, सेकंड ग्रुप के भी टॉप 10, थर्ड ग्रुप के भी टॉप 10 स्टूडेंट्स जो उनका सम्मान इसमें करवाया जाएगा। इतना भी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सम्मान समारोह होगा उसमें फर्स्ट पोजीशन वाले स्टूडेंट्स को 5100 रुपए के साथ साथ में हमारा एक किट जिसमें छाता, दीवार घड़ी, मेडल, सर्टिफिकेट और बहुत से मतलब उसमें से हमारा किट है, उसमें बैग भी है, ये किट प्रत्येक स्टूडेंट जो उसको दिया जाएगा। जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उन सब विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट से पार्टिसिपेट करने के लिए जो करेंगे उसका वो मिलेगा। साथ ही स्कॉलरशिप है वो 10% से लेकर के और 100% तक स्कॉलरशिप भी विद्यार्थियों को दी जाएगी। बिल्कुल सर, बात की आपने स्कॉलरशिप की, एग्जाम की, इसकी तो बहुत बार जब पेरेंट्स कन्फ्यूजन की स्थिति में होता है और बहुत सारी नई नई बातें निकल करके सामने आती हैं कि क्या उनके स्कूल के विद्यार्थियों को भी आप टॉपर मान लेंगे कि वहीं के स्कूल के बच्चों को टॉपर मान लेंगे, तो क्या इसकी पारदर्शिता इसकी किस प्रकार से रहेगी, इसके बारे में भी आप थोड़ा पेरेंट्स को बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न सर आपने किया। आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर की ओर से जितने भी कंपटीशन हम अब तक आयोजित करवाए हैं जी, सभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले विद्यार्थियों की संख्या चाहे शहर में या फिर कहीं की भी कोई भी स्कूल या कोई भी संस्थान करवाए, राज फाउंडेशन ट्रस्ट बानसूर और आरसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर की ओर से जो कंपटीशन होता है इस कंपटीशन में जी इतनी पारदर्शिता होती है कि हर साल हमारे पास संख्या बढ़ती जा रही है। 9,500 स्टूडेंट्स जो है इस प्रकार के एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद में प्रत्येक स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स अपने बेटे या बेटी के रिजल्ट्स को जांच करने के लिए, उसके आंसर शीट को जांच करने के लिए कैंपस में संपर्क कर सकते हैं। निशुल्क वो हम दिखाते हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई मतलब बेईमानी का चांस नहीं है। पारदर्शिता का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि नेक्स्ट यानी पिछले साल जब हमने करवाया था उस समय जो टॉपर स्टूडेंट्स आए वो हमारे स्कूल के नहीं थे। बिल्कुल, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बाहर के स्कूलों से भी थे जी। और वो जो प्रतिभा है भाई, जब एग्जाम ही प्रतिभा सर्च करने का है कि कहाँ कहाँ प्रतिभाएं हैं जी, बिल्कुल उनको एडमिशन हम हमारे इस एग्जाम के तहत देते भी हैं, इसमें कोई दोराय भी नहीं जी। बट ये है कि वो बच्चा चाहे कहीं पर भी पढ़े टॉप 10 में आए तो अपना पुरस्कार भी उसको मिलेगा और स्कॉलरशिप, यहाँ अगर वो पढ़ता है नया स्टूडेंट जो एडमिशन लेगा उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है। बिल्कुल, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुरस्कार की व्यवस्था क्या रहेगी और अन्य जानकारी जो आप इस वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स को देना चाहें। देखो, आपकी इस वीडियो के माध्यम से मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि अपना बेटा या बेटी किसी भी स्कूल या कहीं पर भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा हो, कहीं पर भी
एग्जाम कंपटीशन का होता हो, उन्हें उस कंपटीशन में अपने बेटे या बेटी को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, अपने हुनर या अपने टैलेंट को जानने के लिए विद्यार्थी को जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए वो भी निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं हो, तो उन्हें इस प्रकार के कोर्सेज जो हैं, इस प्रकार के जो कंपटीशन हैं उनमें उनको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। ये जो एग्ज़ाम होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, जिस दिन इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं बच्चे, बिल्कुल उसके ऊपर ऑनलाइन भी उन लोगों को इसकी व्यवस्था मिलेगी। तो मेरा तो शॉर्ट में आपसे कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ कैंपस के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, अदर स्कूल के स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है तो विद्यार्थी जो अपनी ही स्कूल का टॉपर है, हो सकता है इस कॉम्पिटिशन में भी टॉपर रह जाए, लेकिन हो सकता है कि वो टॉप 100 में भी नहीं आए। ये एक खोजने का, अपने पेरेंट्स को भी और विद्यार्थी को भी ये सर्च करने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो सभी पेरेंट्स से और सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप इस प्रकार के इस एग्जाम में 100% आप अपने बेटे या बेटी को पार्टिसिपेट करवाएं, और इसमें किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा को जानकारी लेनी हो तो आप हमारा फेसबुक पेज जो है उस फेसबुक पेज को सर्च करें, वहां इससे संबंधित लिंक है और विभिन्न जानकारियां इसमें दी गई है। धन्यवाद।